बहाने वही बनाते हैं बच्चों जो अपने सपनों को शिद्दत से नहीं चाहते हैं। आप प्रयास करके तो देखो, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट वन कवर किया था, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, ये सब पढ़ा था। आज बात करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हल्का सा स्टार्ट किया था सर आपने, और बताया था ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे, है ना। ये मतलब नहीं है सर कौन सा सॉल्यूट डाला था, ये मतलब है कि कितने पार्टिकल्स आए सॉल्यूट के, इस पे डिपेंड करता है। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन क्लियर हुई? ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है सर। किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? सॉल्यूशन की है, चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक। क्या क्या पढ़ना रहेगा सर इसमें? इसमें पढ़ोगे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सारी प्रॉपर्टीज पता है कब अराइज होती हैं? ये अराइज होती हैं, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो ना, सारी कहानी वहाँ से गड़बड़ाती है, क्योंकि वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। तो इनका अराइज होने का कॉज क्या है? एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट। तो इसका फर्क जान लेना आप, फर्क क्या पड़ता है बेटा? जो प्योर सॉल्वेंट था पहले तो वो फ्रीली वेपर बना रहा था, लेकिन जब आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब ये खुद तो वेपर बनाएगा नहीं, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ना, मतलब और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, उनको भी वेपर नहीं बनाने देगा। तो प्योर सॉल्वेंट का फिर होता क्या है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सबसे पहली जो क्रिया होती है, प्रतिक्रिया, वो क्या है कि अपना वेपर प्रेशर क्या कर लेगा? अपना वेपर प्रेशर कम कर लेगा, जिसकी वजह से सारी यहाँ पे हेरा फेरी होगी, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो। काम फॉर्मूले से चल जाएगा, बट एक बार समझ लेंगे डिटेल में ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बुक के सिक्वेंस में ये सबसे पहले है, तो इसी पे हम बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको सीधे ध्यान रखना है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से होगा क्या, जो रिलेटिव लोअरिंग आएगी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आएगी, ठीक है। ये ए को सॉल्यूट, ए को सॉल्वेंट मान रखा है इन्होंने, बी को क्या माना है? सॉल्यूट, यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर मैंने कल आपको इसको ओपन करना बताया था, देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और अगर ये सॉल्यूशन को बहुत ही क्या मान लेते हैं, डाइल्यूट, तो क्या करते हैं, सॉल्यूट कौन सा है आपके पास, अगर सेकंड मान रखा है तो सॉल्यूट को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट के लिए। ये बात ध्यान रखनी है। फॉर्मूला आपका ये यूज़ होगा कैलकुलेशंस में, अभी देखेंगे न्यूमेरिकल आगे आएगा तो किस तरीके से यूज़ करना है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें स्टार्ट होती हैं बच्चों, ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इन्होंने दिया है, ये समझना आप कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस से पहले थोड़ा डिफ्यूजन के बारे में बताओ, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा, डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन सर, डिफ्यूजन होता है जब कोई चीज अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर में मूव करती है। मान लो यहाँ पे आपके पास क्या लगा है, मेम्ब्रेन लगा है, और कोई भी नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन लगा है। यहाँ पे सॉल्यूशन वन है, यहाँ पे सॉल्यूशन टू है, होगा क्या? मैं लेट करके चल रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन वन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन टू से, तो आपको क्या पता लग रहा है? देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का अमाउंट बताती है, इसका मतलब सॉल्यूशन वन में किसका अमाउंट ज़्यादा है? सॉल्यूट का। और सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो किसका ज़्यादा होगा फिर? सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। तो क्या लगता है आपको, सॉल्यूशन वन से क्या चीज़ जाएगी सॉल्यूशन टू की तरफ? सर सॉल्यूट जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है। इस तरफ ज़्यादा क्या है बेटा? सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन टू से वन की तरफ क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। ये बात बताओ समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब मैं बस मेम्ब्रेन बदलूंगा, है ना, और मैं ऑस्मोसिस
आपको बता चुका हूँगा, मैं बस मेम्ब्रेन बदलूंगा। यहाँ पे मैं जो मेम्ब्रेन लूंगा बच्चों, वो कोई ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन नहीं है, अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब मैंने कैसी मेम्ब्रेन ले ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फिर से बेटा सॉल्यूशन वन रखा हुआ है, फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन टू रखा है, इसकी कंसंट्रेशन सी वन है, इसकी कंसंट्रेशन सी टू है, यही लेट करके चल रहे हैं हम। सी वन इज ग्रेटर देन सी टू, तो यही कंडीशन वहां भी लगेंगी। बट ये क्या चेंज लाएगा सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा सिक्योरिटी गार्ड है, ये केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम है, ओनली अलाउज सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। किसको अलाउ नहीं करेगा, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, केवल सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। वो साइज का मैटर होगा जो इसका पोर साइज है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अभी इधर से इधर सॉल्यूट जाना चाह रहा था, लेकिन क्या ये मेम्ब्रेन इसको जाने देगा, इस बार नहीं जाने देगा। सॉल्यूट का सर जाना कैंसिल, इधर से इधर सॉल्वेंट जाएगा सर, और इसकी एंट्री है। तो बस ऑस्मोसिस में इतना अंतर है कि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो सॉल्यूट का फ्लो तो रोक देता है, और केवल अब कौन मूव करता है, सॉल्वेंट। तो आप दो डेफिनेशन बना सकते हो बेटा यहाँ से, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सी टू क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की, है ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अगर सॉल्वेंट के लिए डिफाइन करो तो सॉल्वेंट कहाँ जाते हैं बेटा, सॉल्यूशन टू में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाइयर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। तो हाइयर से लोअर किसका, वो डिपेंड करता है, हाइयर से लोअर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन और लोअर से हाइयर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसके लिए अमाउंट यूज करा जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब मैं आपसे कहूंगा यार मुझे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रोकना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। कोई नहीं सर, रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के लिए मैं आपसे पूछूंगा या आपको पढ़ाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप करवाना चाहता हूँ। तो ये चीज इधर से इधर आ रही है, मतलब इधर से कोई फोर्स लग रहा है सर इसकी तरफ। अब मैं चाहता हूँ ये इधर से इधर ट्रेवल ना करे। सेम कंडीशन है, सारी बातें सेम है, ये सॉल्यूशन वन है, ये सॉल्यूशन टू है। नॉर्मल प्रेशर तो लग ही रहा है हर जगह, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो दोनों जगह लग रहा है, लेकिन यहाँ इस साइड से मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, जिससे होगा क्या, जो पार्टिकल इधर से इधर आ रहा होगा, अब मैं उतना इधर से फोर्स लगाऊंगा, उसका एंट्री क्या हो जाएगी, बंद। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने लगाया किस साइड, हाइयर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साइड, जिससे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो रुक जाए या ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को बेटा क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर मैं इनको प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट लगा दूंगा, जो कि यार जिसे आप क्या कहते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू प्रेशर वाली लगाना। तो दो आंसर अपने पास, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर आप लगा सकते हो 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कैलकुलेशन ईजी करना चाहते हो बच्चों, तो आर की वैल्यू आप 1/12 ले लेना, उससे भी आपका यही आएगा और कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। बस ये दी होगी क्वेश्चन में, आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं बच्चों, जैसे आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, भाई जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है ना, उनको हम आइसोटोनिक कहते हैं। मान लो सॉल्यूशन वन का भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई है, और सॉल्यूशन टू का भी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी पाई है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। जरा फॉर्मूले को ओपन करो,
कैसे ओपन करें सर? इसकी कंसंट्रेशन आर टी, अगर एक ही रूम पे रखे हैं तो टेम्परेचर भी सेम होगा, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे रखे हैं दोनों सॉल्यूशन, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैंसिल, यानी कि आप ये कह रहे हो सर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का क्या इक्वल रहती है, कंसंट्रेशन इक्वल रहती है। ये बात भी सही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल रहता है, और अगर इसकी अल्टरनेट फॉर्म बोली जाए कि कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम। अब हमारी बॉडी में बच्चों जो ब्लड सेल्स हैं या फ्लूड है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो फ्लूड है वो आइसोटोनिक है किसके साथ, जिसे आप नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हो, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसे सेलाइन सॉल्यूशन भी बोला जाता है। मतलब आपकी बॉडी में जो फ्लूड है और जो इस कंसंट्रेशन का NaCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो बताओ होगा क्या, जो आप वैक्सीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना, है ना, इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है उसकी भी कंसंट्रेशन इतनी रखते हैं ताकि जो है वो इजीली बॉडी के साथ क्या हो जाए, मिक्स, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर मैंने आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स रखे हैं बच्चों, मतलब आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं उनको मैं कॉन्टेक्ट में ले आया किसके साथ, सॉल्यूशन के साथ जिसकी बेटा कंसंट्रेशन ज़्यादा है 0.9% मास बाय वॉल्यूम से, तो क्या होगा, आपके ब्लड सेल्स को मैंने ला के रख दिया ऐसे सलाइन सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। कंसंट्रेशन किसके लिए डिफाइन होती है, सॉल्यूट के लिए, और बदले में यहाँ किसका अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। और हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सॉल्यूट तो अंदर जा नहीं पाएगा, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, यानी कि आपके ब्लड सेल्स क्या कर जाएंगे बेटा, श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है, और बॉडी का फ्लूड बाहर आ जाएगा। अगर आप ऐसे सॉल्यूशन में सेल्स को रखते हो जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% से ज़्यादा है, बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं। और ऐसे ही सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है, जिनका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या ये कह दो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है हाइपरटोनिक। जैसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर को आप हाइपरटेंशन बोलते हो, वैसे ये क्या कहलाएंगे, हाइपरटोनिक। तो ये वाला सॉल्यूशन ब्लड के रिस्पेक्ट में क्या है, हाइपरटोनिक। अब अपोजिट केस समझना बेटा, ब्लड सेल्स को मैंने रखा है, है मतलब छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ये देखो ये सब मेडिकल फील्ड में ही तो आगे यूज़ होना है। अगर मैंने ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन बेटा 0.9% से क्या है, कम है, तब क्या होगा सर? अब ये होगा कि यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, क्यों, सॉल्यूट तो कम है, कंसंट्रेशन क्या है, कम। सॉल्यूट बाहर आ नहीं सकता, सॉल्वेंट मूव कर सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इससे क्या होगा बेटा, ब्लड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को एडेमा बोला जाता है, इस प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, एडेमा। पफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है सेल्स में। थोड़ा सा हम बायो की तरफ मूव कर रहे हैं, बट ये वर्ड आपकी केमिस्ट्री की NCERT में दिया है। तो ब्लड सेल्स के फूलने की जो प्रॉब्लम है स्वेलिंग की, उसे क्या कहा जाता है, एडेमा। और ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे सर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है, तो इन्हें आप कहते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन्हें क्या कहा जाता है, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपर और हाइपो समझ आ गए। आइसो मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम। हाइपर अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज आपके ब्लड सेल्स का π1 था, है ना, सेलाइन सॉल्यूशन का π2 था, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, π2 की वैल्यू ज़्यादा थी ना। ये तो दूसरा केस है सर, ये समझो आप, ये इस केस में क्या था, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा था, सेलाइन सॉल्यूशन का।
यहाँ सलाइन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम थी, मतलब किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा ज्यादा, तो यहाँ पे पाई टू हाइपरटोनिक हुआ है ना, और यहाँ पे पाई टू क्या हो गया हाइपोटोनिक, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। तो एक बार रीड जरूर कर लेना बुक से, समझाने की कोशिश की गई है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑस्मोसिस से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीजें, न्यूमेरिकल में तो पाई इक्वल टू सी आर टी लगेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत वाली बात है, बाकी आप पढ़ लो एक बार डेफिनेशन वगैरह जो दी है। द एक्सिस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू, मतलब इट थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, तो यही मैंने समझाया आपको। कैसे डिटरमाइन किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस मेथड का नाम है बेटा बार्कले हार्टले मेथड नाम था, एनसीईआरटी में नहीं है तो कम इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप, ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन का कोई एग्जांपल दो सर, एग मेम्ब्रेन है, सेलुलोज है ना, ये सब है आपके। केमिकल सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन मतलब किसी केमिकल, ये तो नेचुरल हो गया है, ये क्या हो गया आपका बायोलॉजिकल हो गया नेचुरल। केमिकल मेम्ब्रेन है जो किसी केमिकल से मिलके बनी है, वो है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक का मतलब कॉपर प्लस टू में है, है ना, क्यूप्रस का मतलब कॉपर प्लस वन में है। ये रहा आपका फॉर्मूला पाई इक्वल टू सी आर टी। सी क्या था सर यहाँ पे, मोलरिटी थी, तो मोलरिटी को आप कैसे ओपन करते हो, अगर ये मोलैरिटी है बेटा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया एन अपॉन वी आर टी हो गया। अब आपको मोल्स निकालने के लिए वेट का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो कुल मिला के ना हम चाहते यही है कि हमें सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट पता लग जाए, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि वहाँ पे सॉल्यूट कैसा है या उसका टाइप कैसा है। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। इस मेथड की और एडवांटेजेस भी हैं, क्या वो अभी आपने बाकी नहीं पढ़े हैं मेथड, तो मैं यही बता देता हूं। देखो बॉइलिंग पॉइंट में आपको कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, ये काम बेटा रूम टेम्परेचर पे हो सकता है। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हाई टेम्परेचर पे आके क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो इनकी स्टडी करना ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, इजी है। साथ ही साथ अगर सॉल्यूट का बहुत ही कम अमाउंट भी है ना, तो आर और टी से मल्टीप्लाई होके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अच्छी आ जाती है ना, पाई वैल्यू कम्स इन गुड अमाउंट, अच्छे अमाउंट में मिलेगी आपको इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस आल्सो, तो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ये दो इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, औरों के है ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसकी ये एडवांटेज है, बुक में मार्क कर लेना आपको मिल जाएगी, मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट देखो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं सर होता क्या है, पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं होता क्या है। उसके लिए आपको वेपर प्रेशर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देखो ये कोई वोलेटाइल सॉल्यूट रखा है बेटा, सॉरी सॉल्वेंट, इसमें क्या है, इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल होगा तभी तो वेपर बनाएगा। अच्छा सर वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो वेपर बनाएगा, पहले ऊपर की जगह सेचुरेट हो जाएगी वेपर से, फिर नीचे वाला मॉलिक्यूल जाएगा वेपर बनाने के लिए, ऊपर जगह फिल हो चुकी होगी, तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल नीचे से जाएगा ऊपर वाला एक मॉलिक्यूल नीचे आके गिरेगा, प्रेशर के साथ जो गिरता है उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर था बच्चों, मान लो 0.5 एटीएम था, लेट करके चल रहे हैं, और बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है। अब मैं इसे हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो हीट करोगे तो और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो और ज़्यादा वेपर्स गिरेंगे, और वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हो सर वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, है ना, आप हीट करते जाओ वेपर प्रेशर बढ़ते रहेगा, ठीक है सर। मान लो हीट किया 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, है ना, 0.8 हो गया,
0.9 हो गया। एक टाइम आएगा बेटा इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 180 m। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं लिक्विड क्या कर रहा है, बॉइल। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, वो टेम्परेचर सर जहां पे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू आउटसाइड एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। तो आप अभी तक आपके दिमाग में ये था जिस टेम्परेचर पे सर भाप वेपर बन जाए वो क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। असल में बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तब वो चीज़ क्या करती है, बॉइल करती है। अब मैंने क्या किया, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्वेंट में क्या ऐड कर दिया बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, इससे देखो होगा क्या, ये खुद तो वेपर बनाएंगे नहीं और इसको भी वेपर बनाने नहीं देंगे। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि अब वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, मान लो 0.4 atm हो गया, क्यों कम हुआ ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इनको वेपर नहीं बनाने देंगे, खुद भी वेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन को मुझे पहले की तुलना में कम हीट करना पड़ेगा या ज्यादा हीट करना पड़ेगा 180 m तक पहुंचाने के लिए, दो ही बातें हैं सर, या तो कम या ज्यादा, एक बार हम कम बोल देंगे एक बार ज्यादा, कोई तो सही हो ही जाएगा भाई साहब। यहां 0.5 का गैप था तो कुछ हीट किया आपने, यहां आपको 0.6 का गैप कवर करना है तो आपको वेपर प्रेशर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ानी है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ाना चाहते हो उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि सर अगर यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट T0B था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कुछ इंक्रीज हो जाएगा बेटा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट TB हो जाएगा। ये क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। और आप ध्यान रखना TB की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, T0B से। क्यों होगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। अब मुझे और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा जिससे ये कहाँ तक पहुँच जाए, 180 m तक, ठीक है। तो एक मुझे एक कॉन्सेप्ट और पता लगा यहाँ से, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, वो दो चीज़ों का वेपर प्रेशर दे देंगे, कहेंगे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर जिसका वेपर प्रेशर कम है उसे तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, इनवर्सली रिलेटेड हैं। बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ आया, एक बार रीड करो तो क्या लिखा है इन्होंने, ये प्रॉपर्टी तब अराइज होती है सर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड किया जाता है। होता क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है, क्यों कम होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और हमें पता है वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ता है ना, ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल, क्योंकि यही वो टाइम है जिस समय लिक्विड क्या कर रहा होगा, बॉइल कर रहा होगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ बेटा, समझ लेना, ठीक है। कुछ नोट वोट करना होगा तो आप पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बेटा मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। आप मुझे बताना टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बढ़ता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा बढ़ता हुआ। ये मैंने बनाया प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए बनाया है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो आप मुझे बताओ सॉल्यूशन का ग्राफ मैं नीचे से बनाऊं या ऊपर से,
भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड करने से, तो सर ग्राफ आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर्स बनाएगा, बट अब आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब ये थोड़ी क्या बनाएगा, कम वेपर बनाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर जिस समय वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 180 के लिए। जरा ध्यान से देखना बेटा, 180 किस टेम्परेचर पर हो रहा है, सर इस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी, और 180 सॉल्यूशन के लिए कब हो रहा है, 180 सॉल्यूशन के लिए कब हो रहा है, ये हो रहा है सर इस टेम्परेचर पे टी बी। बताओ टी नॉट बी ज़्यादा है या टी बी ज़्यादा है, टी बी ज़्यादा है सर। तो ग्राफिकली भी प्रूफ हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आ जाता है आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट। अब कितना इंक्रीज आएगा ये तो डिपेंड करता है बेटा आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, क्योंकि उसकी वजह से ही तो वेपर प्रेशर कम हुआ था, तो उसकी वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूट का अमाउंट मोलैलिटी में लिखता हूँ, है ना, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट के। सर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो क्या लगाऊं, फिर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगा जिसको मैं डिनोट करूंगा किससे, के बी से, और मोलैलिटी को एम से। तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। के बी के अनेकों नाम है, एक नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एक नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एक नाम होता है बेटा एबिलियो स्कोपिक कांस्टेंट। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है के बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर के बी, तो ये तीन नाम सही हो जाएंगे, जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। कैसे डिफाइन करोगे के बी को, बेटा इसको वन कर दो, मोलैलिटी को वन कर दो, जरा लेट कर लेते हैं, इफ मोलैलिटी इक्वल टू वन तो होगा क्या बेटा, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, के बी के। तो के बी को डिफाइन कैसे करोगे आप, KB is the elevation in boiling point when the molality of solution is 1. Molality को और open कर लो, क्या होता है molality का formula, solute के moles upon में weight of solvent in kg, और modify कर लो sir definition, KB is the elevation in boiling point when 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent। बताओ KB की definition clear हुई, KB क्या है, के बी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक बार इसकी यूनिट और बता दो यार, के बी की यूनिट, तो देखो टेम्परेचर का चेंज स्टैंडर्ड यूनिट में लोगे तो केल्विन में आएगा, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर के जी, क्या यूनिट होती है, मोल पर के जी होती है। तो के बी को यहीं रहन दो, मोल पर केजी इधर आ गया आपका केजी इनवर्स, तो ये जब सब ऊपर जाएगा तो केबी की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो मोल इनवर्स केल्विन, केल्विन तो ऐसे ही रहा केजी, है ना, केल्विन केजी मोल इनवर्स, या मोल इनवर्स ऊपर, मोल ऊपर चला गया तो इनवर्स हो गया, और केजी इनवर्स ऊपर गया तो नॉर्मल केजी हो गया। तो ये यूनिट है केबी की, और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, नाम बता दिए, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जो के बी की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ के बी, ये किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्वेंट बदलोगे तभी के बी की वैल्यू बदलेगी, नहीं तो नहीं बदलेगी। वाटर है तो हमेशा के बी सेम रहेगा, 0.52 होती है शायद वैल्यू, देख लेना इसमें से कुछ आपके काम का है तो, ठीक है। ये देखो ग्राफ दे भी रखा है, देख लो एक बार, समझा दिया था, है ना, बाकी इसको डिफाइन किया होगा, छोड़ो लिखा हुआ कम समझ आता है, पंचायत कर रखी है। मोलल एलू क्या एलू कह रहा हूँ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एबू लियो है, यहाँ पे लियो रह गया है, इसको आप एबू लियो कर लेना, नाम जरूर ध्यान रखना, अलग अलग नाम है बेटा, तो आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक। डिफाइन कर रखा है, इट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है।
थोड़ा टाइम का प्रभाव है नहीं, मैं एक एक चीज़ आपको लिख के बताता, नोट्स बनाने का भी पूरा टाइम मिलता, लेकिन वही चीज़ें हैं सर, क्या करेंगे लिख के, हमें तो क्वेश्चन करना है, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट देखो आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी समझ लो लगे हाथ। देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर था जिस समय वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट समझना आप, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म आपस में क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, और उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस बात को जरा ग्राफ से समझना आप, ये रहा वेपर प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर। बेटा मैंने एक कर्व बनाया है ना, इस कर्व के दौरान सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आप 11th की थर्मो में पढ़ोगे शायद, अभी ट्रिपल पॉइंट पढ़ोगे, जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गए तीनों फॉर्म एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी मैंने वो वाला ग्राफ उठा लिया उसमें से, जिसपे सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब ये आ रहा है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी ये ग्राफ किसके लिए आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है आपका सॉल्वेंट के लिए। फिर वही वाली बात, सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे से बना ऊपर से, सर सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम हो गया होगा ना, तो इसका ग्राफ आप नीचे से स्टार्ट करो। बेटा वो टेम्परेचर पिक करो जहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के साथ, देखो वो टेम्परेचर ये है। तो सॉल्वेंट का हम किससे दिखाते हैं, नॉट लगा के, प्योर का, और सॉल्यूशन का देखो कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे। तो आपने क्या देखा, अगर मैं कहूँ टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है? सर टी नॉट एफ बड़ा है इस बार, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है। इसी डिक्रीमेंट को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि इक्वल होता है बेटा इस बार पहले वाला ज्यादा है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, कि भाई आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है उसी हिसाब से वेपर प्रेशर में चेंज आएगा, उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप एक कांस्टेंट लगाते हो जिसको यहाँ के एफ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, के एफ। के एफ के बेटा अलग अलग नाम है, पहला नाम हो गया आपका मोलल, वहाँ क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम वहाँ क्या था, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तीसरा थोड़ा बेटा अजीबोगरीब है, क्रायोस्कोपिक, आपको क्राई नहीं करना है, इसका नाम ही है क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, कर्म ऐसे हैं सर, हमें रोना पड़ सकता है, लेकिन कोई नहीं, अभी टाइम है, कर्म सुधार सकते हो आप। ठीक है, मम्मी पापा के पैर छुओ, थोड़ा जल उल चढ़ाओ, और पढ़ाई तो करनी है, थोड़ा सहायता वो कर देंगे, थोड़ा हम कर देंगे, और आपको तो मेहनत करनी है। देखो फॉर्मूला समझ आ गया, नाम समझ आ गया, बाकी चीजें वही रहेंगी। के एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, नाम लिख दिए, यूनिट भी वही रहेगी बेटा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यही यूनिट रहेगी जो वहां पे थी। पढ़ लो तो जरा क्या दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा टी एफ। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, डेल्टा टी एफ है। एक बार आप ओरिजिनल ग्राफ भी देख लो, ये देखो, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये आपका वो वाला ग्राफ है जिसपे सॉलिड और लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये सॉल्यूशन का है। तो इस पॉइंट पे आके सॉल्वेंट फ्रीज होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये। इस पॉइंट पे आके सॉल्यूशन फ्रीज होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये। इस बार प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम हो गया सर। ठीक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट देख लो, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर आएगा,
पहले वो इवेंट ऑफ फैक्टर भी समझ लो लगे हाथ, देखो फिर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब पता है आपने पेन और पेपर से कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी, आपने इसमें NaCl डाला था, ठीक है, ऊपर से NaCl ऐड किया था, आपने मान लो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, तो आपने कितने पार्टिकल मान के कैलकुलेट किया होगा? NaCl को एक सिंगल पार्टिकल माना होगा ना कि सर NaCl क्या है, एक कंपाउंड। तो आपकी जो यहाँ से वैल्यू आई पेन और पेपर से, उस वैल्यू को कहा जाता है थ्योरिटिकल वैल्यू, क्योंकि ये आपने कैलकुलेट करी थ्योरी लगा के, फॉर्मूला लगा के। लेकिन बाद में मशीन से, जब किसी एपरेटस से इस बात को कैलकुलेट किया गया, तो उनकी जो वैल्यू, ये जो आ रही थी ना, ये वैल्यू एक पार्टिकल के लिए आ रही थी, और ये क्या है, ये आपकी है कैलकुलेटेड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कह सकते हो आप, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट से निकाला, आपने यहाँ भी निकाला बॉइलिंग पॉइंट, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने किसी एपरेटस की हेल्प से निकाला। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये दो पार्टिकल के लिए आई। अरे फिर आपको पता लगा सर NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट गया होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो हम मान के चल रहे थे इसको एक पार्टिकल, ये सॉल्यूशन में जाके कितने हो गए, दो पार्टिकल। अब ऐसा तो हो नहीं सकता एक प्रॉपर्टी की एक ही सॉल्यूशन के लिए दो अलग अलग वैल्यू आए, मतलब ये दोनों वैल्यू किसी हर हालत में आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसको इसके इक्वल कैसे करोगे, अगर इसका मल्टीप्लाई बेटा किससे हो जाए, टू से हो जाए, तो जिस चीज़ का मल्टीप्लाई किया ना आपने, वही क्या कहलाता है, वेंट ऑफ फैक्टर कहलाता है। तो ये आपकी आई की वैल्यू आ गई, इसी को आप क्या कहते हो, वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या आया, इसको नीचे खिसका देना, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरिटिकल वैल्यू, एक फॉर्मूला समझ आया बेटा आई का। आखिर में तो रट्टा मारो गई तो मुझे पता है, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश करी है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा। अब देखो एक्सपेरिमेंट, जब आप फाइल बनाते थे क्लास ट्वेल्थ में, तो एक्सपेरिमेंट में आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते थे, याद करो। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, और थ्योरिटिकल वैल्यू है तो वो थ्योरिटिकल है। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरिटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आओ बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला समझो, अभी हमने मान के चला ये डिसोशिएट नहीं होता है, बाद में डिसोशिएट हो गया, डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स आए, दो, पहले कितने थे, एक। तो अगर मैं कहूँ आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोशिएशन, तो 2/1 से 2 आएगा आपका आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला भी देखो, आपने समझ लिया कि क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन या एसोसिएशन भी कह सकते हो, और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन या फिर एसोसिएशन, बताओ। तीसरा फॉर्मूला और समझना जरा ध्यान से, देखो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसमें मोलर मास ना डिनोमिनेटर में आता है, जैसे मोलैलिटी का फॉर्मूला ओपन किया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ओपन किया सर, गिवन वेट सॉल्यूट का अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिकुलर वेट के। यहाँ से क्या कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ मैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मॉलिकुलर वेट के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो आपने ये जो देखा, ये तो एबनॉर्मल बात हो गई ना, आप ये थोड़ी करोगे NaCl का मास दो बार मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से जो आपने मॉलिकुलर वेट देखा वो एबनॉर्मल है, और यहाँ से जो वेट देखा वो नॉर्मल है। तो एबनॉर्मल वैल्यू कब आ रही है, जब आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ऑब्जर्व्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल वाला मास, और थ्योरिटिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला मास। तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो ऑब्जर्व्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एबनॉर्मल वाला और थ्योरिटिकल के इन्वर्सली नॉर्मल, तो वो ऊपर चला गया। तो आई का फॉर्मूला एक और क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये तीनों ध्यान रखना, आपके सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में पूछे जा सकते हैं, हालांकि न्यूमेरिकल बिना इनके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर
क्रिटिकल क्वेश्चन बना कि चार ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में भी फॉर्मूले दिए हैं। ठीक, अब हम जनरल केस पढ़ेंगे बेटा, डिसोसिएशन का और एसोसिएशन का। ये देखो वही वाली बात, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्योंकि ये आपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, चेंज क्या आएगा इससे, सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, बस आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो आप, आपने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू सी आर टी, आगे आई लग जाएगा। आपने रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब उसके आगे बस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, उससे पहले आई आ जाएगा। आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, उससे पहले क्या आ जाएगा, आई। तो सारे फॉर्मूले में बस न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लाई हो गया है, आई का, ये चेंज आता है वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से, इतना सा चेंजेस आया। अब ये आई की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये समझना आप। देखो आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बच्चों, वो दो ही काम कर सकते हैं, या तो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होंगे, या आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट, मतलब दो डाले तो एक पार्टिकल रह गया, और डिसोसिएट का मतलब एक ऐड किया तो एक से ब्रेक होके दो तीन इस तरीके से हो गए। जब भी डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू वन से ज़्यादा रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, और जब भी एसोसिएशन होगा आई की वैल्यू वन से कम रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम। और अगर कुछ नहीं होता है तो आई की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है। ना ही बेटा डिसोसिएशन हुआ होगा ना ही एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हुआ तो आई की वैल्यू वन से ज़्यादा, अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ तो आई की वैल्यू वन से कम रहती है। अब आप जनरल केस समझना डिसोसिएशन का, ये बता रखा है इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखो ये कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है ए टाइप का, ये बेटा डिसोसिएट होके एन पार्टिकल्स देता है, ए एन इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होके कितने पार्टिकल्स देता है, एन। ठीक है सर, जब स्टार्ट किया आपने रिएक्शन या सॉल्यूशन बनाना तो उस समय ए एन का आपके पास एक पार्टिकल था और ये डिसोसिएट नहीं हुए थे, जैसे ही जैसे कुछ देर बाद आपने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या होगा, डिसोशिएट करना स्टार्ट कर दिया होगा। मान लो ये अल्फा डिसोशिएट हुआ, कितना डिसोशिएट हुआ, अल्फा, यहाँ अल्फा को कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। बेटा इसके एक मोल से ये कितना बनता है, एन। देखो इसके एक मोल से कितना बनता है, यहाँ जो कोफिशियंट लगा है इसके एक मोल से एन बनता है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा एन बनेगा। अगर सर एक से एन मोल बनता है तो अल्फा से कितना बनेगा, एन अल्फा। आई का फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और अपॉन में क्या आ जाता था बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर वाली तो ये वाली कहानी है, यानी कि वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन, और पहले कितने थे, एक ही पार्टिकल थे। तो यहां से बेटा एक फॉर्मूला आएगा अल्फा के लिए, जरा रीअरेंजमेंट करो, मल्टीप्लाई करोगे वन हो जाएगा, वन इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस वन, और यहाँ मैं अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, पहले इसको पिक करो, अल्फा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एन, यहाँ अल्फा कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, माइनस वन, ये वाला वन मैंने पहले इधर खिसका लिया था। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, आपको तो ये ध्यान रखना है। सर अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा ये बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हुआ, जरूरी नहीं है हमेशा 100% डिसोशिएट हो, कभी 80% होगा कभी 90 होगा, तो वहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 0.8 या फिर 0.9। आई तो होता ही है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर, ये आपको पता है। सर एन क्या होगा, एन, एन होगा कितने पार्टिकल्स आपको डिसोसिएशन के बाद मिले हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेंड आफ्टर डिसोसिएशन, जैसे यहाँ पे मुझे डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स मिले थे, एन, तो ये कहानी रहेगी।
एक बार जरा ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन। एन क्या है, कितने पार्टिकल में वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हुआ होगा। एल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाई तो है ही वेंट ऑफ फैक्टर। तो आपको जनरल केस समझ आया बेटा डिसोसिएशन का, और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहती है, वन से ज़्यादा रहती है। अब एसोसिएशन का समझ लेना, कुछ आपके काम का है तो आप लिख सकते हो पॉज करके। अब आपकी बारी है एसोसिएशन की, इसको भी मैं अलग से ही समझाऊंगा, देखना। अब हम कहानी पिक करेंगे एसोसिएशन की। सर एन पार्टिकल्स लेके चले थे, अब वो सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, उल्टा कहानी कर दी, बताओ अब क्या हो गया। एन पार्टिकल्स लेके चले थे, एक पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ एक पार्टिकल लेके चले थे, ये कुछ नहीं था। जैसे जैसे बेटा टाइम आगे बढ़ा, ये अल्फा एसोसिएट हो गया, मतलब इसका अल्फा पार्ट क्या हो गया, एसोसिएट। तो ध्यान से समझना आप, एन पार्टिकल्स एसोसिएट होके एक पार्टिकल बनाते हैं, एक पार्टिकल एसोसिएट होके कितना बनाएगा, वन अपॉन एन। और अल्फा पार्टिकल्स अगर एसोसिएट हुए हैं तो कितने पार्टिकल्स बन जाएंगे, अल्फा अपॉन एन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा अपॉन एन। हालांकि डेराइव में फालतू करा रहा हूँ, डेरिवेशन आपके में नहीं आएगी, बट समझ लो कभी भूल गए तो। आई का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आई हो जाएगा, वन इधर आ जाएगा बेटा, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कॉमन लो इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एन, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वन। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला क्या आया, आई माइनस वन अपॉन में वन अपॉन एन माइनस वन। बताओ एसोसिएशन के लिए अल्फा का फॉर्मूला समझ आया, आई माइनस वन और अपॉन में वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए, पहले एन क्या था, कितने पार्टिकल्स बने डिसोसिएट होने के बाद। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा, एसिटिक एसिड जो है ना, या कोई भी आपका क्या बोलते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, वो डाइमर बनाता है। कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स क्या बनाते हैं, डाइमर। कहाँ पे, बेंजीन में। वाटर में तो डिसोसिएट हो जाते हैं, बट बेंजीन में डाइमर बनाते हैं। और बात रही बेटा फिनॉल की, तो फिनॉल डाइमर बना लेता है वाटर में। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी चीज़ कहाँ एसोसिएट होती है, कहाँ नहीं। वाटर में ये डिसोसिएट होगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है ना, डिसोसिएट होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ये ध्यान रखना है आपको, और ये फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, देखो कुछ नहीं दिया है ना, तो आप जितने पार्टिकल डिसोसिएट करा सकते हो करा दो। जैसे यहाँ क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या दिया है आपको, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए सर, बताओगे कपिल बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। भाई ये तो नाइन्थ क्लास में फॉर्मूला बनाया सिखाए जाते थे यार, तुम तो हद कर दी है। क्या चाहते हो, बारहवीं फेल पार्ट टू बना के हीरो बना दें उसमें तुम्हें? हाँ डायरेक्टर मैं बन जाऊंगा। देखो बेरियम ग्रुप टू में आता है, ग्रुप टू की वैलेंसी प्लस टू, हद कर दी यार तुम तो। हाइड्रोक्साइड की माइनस वन, ये सिखा रहा हूँ मैं नीट के क्रैश कोर्स में। कह देना नहीं सीखा था सर नाइन्थ क्लास में, मना करो एक बार, मना तो करो तुम। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने पार्टिकल बनेंगे, एक तो बेरियम बन जाएगा और दो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड। तो कितने पार्टिकल्स बने टोटल, तीन। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो आप 100% डिसोसिएशन का केस मान के जरा एक बार फॉर्मूले में वैल्यूज लगाना। अल्फा की वैल्यू वन हो जाएगी 100% के लिए। आई माइनस वन डिसोसिएशन का केस है, एन माइनस वन, एन कितने हैं, तीन, तीन पार्टिकल मिल रहे हैं, ये टू आ जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आई की वैल्यू थ्री, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। वो डायरेक्ट भी बता सकते थे कितने पार्टिकल बन रहे हैं, तीन पार्टिकल। क्या तुम ऐसे हलवा क्वेश्चन भी गलत कराओगे, रायता फैला लोगे तुम तो वहां पे ना।
आप मतलब एक बार में सीख गए, स्वामी विवेकानंद हो क्या ये बताओ। अच्छा पढ़ो तो, इंग्लिश भी पढ़ना सिखाऊं। हाँ बताओ फिर। सही है फिर। अरे याद करो वो दिन, दिन नहीं कुछ समय पहले की बात, मैंने आपको बताया था केएफ और केबी केवल डिपेंड करते हैं सॉल्वेंट पे। आप कुछ भी छेड़खानी करो सॉल्यूट के साथ या सॉल्यूशन के साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहेंगे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता सर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनचेंज। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलम उठानी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन इज 5.12, यानी कि केएफ दे रखा है आपको। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी दी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का यूज नहीं होगा। पूछा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है। क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि आपको डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। तो क्या फॉर्मूला हुआ करता था डेल्टा टी एफ का? के एफ इंटू मोलैलिटी। भाई सीधी वैल्यू दी है, के एफ की वैल्यू 5.12, मोलैलिटी की वैल्यू 0.078। बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करके बताओ, कैलकुलेटर से ही बता दो, कैलकुलेटर से ही बता दो यार, जल्दी बताओ। तो ऐसा ही आएगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड? आज बता दोगे? हैं? ऑप्शन छोड़, मुझे वैल्यू बता, वो राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ भी सिखाऊंगा मैं तुझे, राउंडिंग ऑफ। 0.399, आगे वाला नंबर 9 है बेटा, तो ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो लगभग कितना आ जाएगा? 0.40। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। बोलो सर आपने कहा था इजी आती है, तो हम तो छोड़ आएंगे, छोड़ना नहीं है, आखिर में टाइम बचा के इसको कर लेना। ये पढ़ो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, और बताओ क्या लगता है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पाई इक्वल टू सी आर टी। अब सारी चीजें बेटा एक ही जगह रखी हुई है, ठीक है, तो ये तो सब सेम हो जाएगा, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कुल मिला के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml वाटर। सर कंसेंट्रेशन छोड़ो, वॉल्यूम भी सेम है, तो केवल किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पे। वॉल्यूम देखो सबकी सेम है, सबको 250 ml पानी में एकदम, है ना, 250 ml में डिजोल्व किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो मोल्स निकालना तो आपको आते हैं, है ना। ग्लूकोज के लिए कितना है? 10/180, क्योंकि 180 होता है इसका मास। P2 कंपेयर करो, ये भी 10 ग्राम है। यूरिया का 60 होता है,
NH2CO NH2, वरना ये दिया हुआ है इसकी मदद ले लेना ठीक। मतलब हमें याद नहीं है सर, इसकी मदद लेंगे हम। सुक्रोज 342, आप तो सर हर साल देते हो पेपर नीट का, इसलिए याद हो गया आपको। हम तो एक बार पढ़ते हैं 11, फिर 12 पढ़ते हैं 11 भूल जाते हैं। देखना जरा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा वो फ्रैक्शन कम, और जिसका डिनोमिनेटर कम वो फ्रैक्शन ज़्यादा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी ये, उसके बाद सेकंड नंबर वाली वैल्यू हो जाएगी ये, और थर्ड नंबर वाली ये। P2 P1 P3, मुझे नहीं पता तुमने कैसे बताया, बट अब मैंने ऐसे बताया, ऐसे ही बताया था। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, ईद मुबारक हो तुम्हें, है ना। ये ले, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मिक्स है इसमें, मैं समझा देता हूँ। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है ना बच्चों, काउंटर आयन अलग डिसोसिएट होता है। कितने पोटेशियम है, 4, ये अलग हो जाएंगे, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग डिसोसिएट होता है। ऐसी यहां बताना, तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे टोटल, जो ब्रैकेट के बाहर है वो अलग डिसोसिएट होता है, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो अलग डिसोसिएट होता है। हाँ, 3 तो पोटेशियम बनेंगे सर, और एक आपका ये आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, इसके बदले का चार्ज इस पे आ जाएगा। 100% जब आयोनाइज होता है ना, तो जितने पार्टिकल्स बनते हैं वही आई की वैल्यू होती है। तो यहाँ 4 और 1 5, यहाँ 3 और 1 4, इसे डिसोशिएट कराओ। ये गड़बड़ मत करना बेटा, बताओ ये कितने पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, बोल दो यार। मौन व्रत रख रखा है क्या? 2 है, 2 तो पोटेशियम ही है, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, आई की वैल्यू 3, क्योंकि 100% आयोनाइज हो रहा है। यहां देखो, 1 एल्यूमिनियम और 3 NO3, आई की वैल्यू 4। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंटहॉफ्स फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4। होल थ्राइस और आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और क्या आना चाहिए, होल थ्राइस आना चाहिए। तो बताओ Al2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा भाई, जिसके नीचे जो लिखा हो ना उतने पार्टिकल्स बना दिया करो। 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, और चार्ज कौन सा लगाएं सर, जो दूसरे के नीचे लिखा हो वो उसका चार्ज हो जाता है। सल्फेट बनेंगे 3, और सल्फेट पे चार्ज -2, यानी कि इनके लिए आई की वैल्यू 5 है। तो इसमें से किस ऑप्शन के लिए आई की वैल्यू 5 है, K4 Fe CN6 के लिए, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें नहीं लगाया तुम्हारा आंसर, आया नहीं, कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ध्यान रखना, काउंटर आयन तो एक एक ब्रेक हो जाता है, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो ऐसे का ऐसा ही ब्रेक होता है एज अ सिंगल पार्टिकल। यहाँ कभी कंफ्यूजन हो तो जिसके नीचे जो नंबर लिखा हो उतने वो बना देना है। के नीचे 2 लिखा है, 2 बना दिए। सल्फेट पूरा 1 होता है तो 1 बनाया। ऐसी एल्यूमिनियम के नीचे कुछ नहीं था तो 1 एल्यूमिनियम, नाइट्रेट 3 थे तो 3 बन गए। यहाँ एल्यूमिनियम 2 थे तो 2 बन गए, सल्फेट 3 थे तो 3 बन गए। ये बताओ तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर में ज़्यादा आया है, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया है, वाई से ज़्यादा, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ध्यान से देखो, देखो केवल मॉलिकुलर मास से थोड़ी फर्क पड़ता है। क्या बोल रखा है, ये तो सेम है ना, मोलैलिटी दोनों की क्या है, सेम। तो आपके फिर मॉलिकुलर मास से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, मोलैलिटी को जब आप ओपन करते हो तभी तो मॉलिकुलर मास का रोल आता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद आप मोल्स को ओपन करते हो,
गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो मोलर वेट छोड़ो, पूरी मोलरिटी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो फिर ये दोनों आंसर आपके माइंड से हट जाने चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हो? क्योंकि मोलरिटी दोनों की क्या है, सेम है, तो फिर मास का तो कोई रोल रहा ही नहीं। अब बात आती है डिसोसिएशन और एसोसिएशन की। बेटा अगर ये डिसोसिएट होगा तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स का जो है ग्रेटर आता है, यानी कि एक्स क्या है, डिसोसिएशन कर रहा होगा जिससे एक्स के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कह रहे हैं वाई डिसोसिएशन करेगा, ऐसा नहीं है। बताओ बात समझ आई कि नहीं? मास वाले आंसर क्यों नहीं हो सकते, समझ आ गए? क्योंकि मोलैलिटी ही सेम है सर, मोलैलिटी के फॉर्मूले में ही तो मास आता था, तो मास वाला हट गए। और प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्स अगर डिसोशिएट होगा तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बता दो यार, ये तो सबका आना चाहिए। लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कौन एग्जिबिट करेगा? मतलब कोई भी ये है ना डेल्टा टी एफ, ये डिपेंड करता है आई पे, तो जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा। बताओ, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसका टी एफ ज्यादा, क्योंकि मोलैलिटी सबके लिए सेम, वाटर का के एफ सेम है। देखो इधर, ये पांच बनेंगे, किसी को कोई दिक्कत, पेट में दर्द समस्या नहीं। दो तीन, ये ग्लूकोज है सर, अगर ये ऐसा करता ना तो आप ग्लूकोज पानी में घोलते ही नहीं, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसके लिए आई की वैल्यू 1। तो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है बेटा, Al2SO4 होल थ्राइस में। यहाँ अगर थोड़ा सा टफ करेंगे ना क्वेश्चन को, तब समझना क्या होगा। देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा माइनस सॉल्यूशन का कम। तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए ज्यादा है। तो देखो, जिसके लिए आई की वैल्यू कम होगी उसके लिए डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स रहती है ना बेटा। भाई प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ फिक्स रहेगा या नहीं? ये तो फिक्स है सर, अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो आई ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब टी एफ की वैल्यू क्या हो, कम। आई की वैल्यू को अगर ज्यादा करना है यहाँ पे तो टी एफ की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ताकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या है, ज्यादा है। तो अगर वो सॉल्यूशन की बात करता तो आप ये देख लेते कि आई की वैल्यू कहाँ पे कम है, तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। बट इसने हमसे डिप्रेशन पूछा था, तो डिप्रेशन का तो मतलब डेल्टा टी एफ पूछा है। अगर सॉल्यूशन का पूछे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है सॉल्यूट ऐड करने से, तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स उतना कम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में उल्टी गाड़ी चलती है। ये देखो, इसमें भी थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट दिया है 100 ग्राम, वाटर यानी कि सॉल्वेंट का वेट दिया है, ये प्रेशर दिया है आपको सॉल्यूशन का। आपसे पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है डेल्टा टी बी, कुछ दिया नहीं है तो आई की वैल्यू 1, के बी इंटू मोलैलिटी, केबी की वैल्यू दी है 0.52। मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट के मोल्स, यानी कि गिविन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट दिया है क्या? मॉलिकुलर वेट भी नहीं दे रखा है ना, नहीं दे रखा है, फिर कैसे का काम बनेगा, मॉलिकुलर वेट तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। सॉल्वेंट का वेट दिया है, मान ली आपकी बात, केजी में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन ये नहीं है। तो वेपर प्रेशर पूछा है सर और डेल्टा टी भी दिया है, ठीक है। सब में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ भी रहा है, ऐसा भी नहीं है एक ही में बढ़ रहा होता तो उसको टिक कर देते। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 732 mm, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा,
जो प्योर का प्रेशर होता है ना वो होता है 760 mmHg, और सॉल्यूशन का कितना हो गया वेपर प्रेशर 732। तो आपको एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। देखना रिलेटिव लोअरिंग क्या आ रही है, 760 माइनस 732 अपॉन 760, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है। यहां से मुझे सॉल्यूट के मोल्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा। एक बार सॉल्व करना, तो बैठ मुझे करने दे। कैसे वगैरह तुम्हें, अच्छा कर रहा हूं रुक, ये आ रहा है ना 0.036 डिवाइड कर लिया मैंने। तो अब मैं ना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की सीधी वैल्यू लगा दूंगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है पूरा सॉल्यूशन अगर एक मोल है तो उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.036। बात समझ आ रही है कि नहीं भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स हमेशा कितने आते थे, 1। सारी चीजों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता था, 1 होता था, ठीक है। तो यहां से आप इसको मोल्स के इक्वल लिख सकते हो 0.036। फिर आपको सॉल्वेंट का वेट दिया है 100, और केजी में कर लोगे तो 1000, 20 से 20 ये गए, 0.052 इंटू 0.036 इंटू 10। तो इसको और सॉल्व करना है अपने को, 0.52 इंटू 0.036 इंटू 10, तो ये आ रहा है आपके पास 0.18। कितना आ रहा है, 0.18, बट ये तो इंक्रीज आया है सर। और नॉर्मल कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। तो इसमें 100 आप और ऐड कर दोगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 100.18 आ जाएगा। तो सबसे आसपास बेटा यही वाला लग रहा है, ठीक है, तो इसी को मार्क करेंगे। वैसे एग्जैक्ट आंसर कितना आता, 100.18, बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे पहले आप रिलेटिव लोअरिंग यूज करके क्या निकालोगे, सॉल्यूट के मोल्स, फिर उसको यहाँ पुट करोगे, क्योंकि मुझे सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास नहीं दिया है। मास तो दिया है, लेकिन मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मॉलिकुलर मास भी चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये बताओ, इस तरीके के ज्यादा चांसेस हैं कि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। देखो रिसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, डेल्टा टीबी की वैल्यू मिनिमम कहां पे होगी, सबका आंसर आना चाहिए। सब तो ऐसे कह रहे हो आप, कितनी जनता है आपके पास, जो भी है उनका आंसर सही आना चाहिए। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आई की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इतना टाइम नहीं लगाना है बेटा, यहाँ से टाइम बचा के फिजिक्स में लगाना, न्यूमेरिकल रहेंगे वहाँ पे, जल्दी से निपटाना है। सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करनी है आपको, पढ़ा टिक लगाया, फिर केमिस्ट्री पे आ जाना, और फिर दोनों का जो टाइम बचे उसे फिजिक्स में यूटिलाइज करना। देखो इधर डेल्टा टी बी होता है आई के बी इंटू मोलैलिटी। तो मतलब सर अगर आप कह रहे हो कि कंसंट्रेशन सेम है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो डेल्टा टी बी जो होता है आई के प्रोपोर्शनल होता है। ये पूछ रहे हैं मिनिमम एलिवेशन कहाँ आएगा, मतलब डेल्टा टी बी की वैल्यू कम कहाँ पे आएगी, तो जहाँ पे सर आई की वैल्यू कम होगी। अब आई की वैल्यू से काम नहीं चलेगा, मोलैलिटी को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू हो सकता है दो जगह सेम आ जाए, जैसे NaCl और KCl में। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे सर, अरे हट क्यों नहीं रहा है, अरे होल्ड कर रखा है, देखो इधर। अब दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा सर, आई पे भी और एम पे भी, क्योंकि आई सेम आ रहा है। तो डेल्टा टी बी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई और एम के। आप मोलैलिटी को ही मोलैलिटी मान लेना,
इसके लिए देखो आई और एम का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0.05 ही आएगा सर। इसके लिए 0.1 आएगा, क्यों नहीं, दो पार्टिकल बनेंगे ना, दो पार्टिकल बनेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 इंटू टू 0.1, ये भी दो बनेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। यहां से कितने पार्टिकल्स बनेंगे भाई, एक मैग्नीशियम का एक सल्फेट का दो बनेंगे, कंसंट्रेशन 0.1 तो ये आ जाएगा 0.2। यहां से कितने पार्टिकल बनेंगे, दो, कंसंट्रेशन 1 यानी कि 2। तो सबसे कम वैल्यू कहां पे आ रही है आई और एम की, यहां पे आ रही है सर। तो सबसे कम मिनिमम एलिवेशन कहां आएगा इसमें, अगर मैक्सिमम पूछते तो डी ऑप्शन सही हो जाता। बात समझ आ रही है, जब आई की वैल्यू सेम हो तो आपको मोलैलिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस भी आपको सारे करा दिए। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, कल मुलाकात होगी आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। तो सॉल्यूशन बेटा अच्छे से पढ़ लेना, एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं पक्का, तो ज़रूर रीड करना बुक। न्यूमेरिकल यही दोबारा कर लोगे बहुत है। ठीक है, भाग जाओ।